चलो देखिए पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजक का गुणन कीजिए। फोर पी और क्यू प्लस आर, फोर पी क्यू प्लस आर, फोर पी को दोनों से गुणा करें तो फोर पी इंटू क्यू और 4p into r, प्लस का चिन्ह बीच में, 4p को q से गुणा करें तो 4pq प्लस 4pr, यह आंसर आएगा। थर्ड प्रश्न इसका, पहले का थर्ड, a प्लस b 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी दोनों से गुणा होगा, ए गुणा हो गया पहले तो सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस तो प्लस फिर बी सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेवन संख्या से कैसे ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए क्यूब और बी स्क्वायर, प्लस सेवन ए स्क्वायर और बी को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी क्यूब आ गया, तो सेवन ए क्यूब बी स्क्वायर और प्लस सेवन ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है ना। दूसरे में आपको सारणी माना, जो दूसरा प्रश्न है उसमें सारणी दी गई है, सारणी में से प्रश्न करने अपने को, एक पदी को बहुपद से ऐसे गुणा दे रखा, इसमें प्रथम व्यंजक है ए, ए और द्वितीय क्या है, द्वितीय व्यंजक क्या है, बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी, मल्टीप्लाई करो, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, दोनों से सबसे गुणा होगा, ए गुणा बी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, याद करो। दूसरा प्रश्न इसी का, फर्स्ट व्यंजक तो क्या है इसका, x प्लस वाई माइनस पांच, x प्लस वाई माइनस पांच, और दूसरा व्यंजक क्या है, फाइव एक्स वाई, मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो पहले, x इंटू पांच एक्स वाई प्लस y इंटू पांच एक्स वाई, माइनस है तो माइनस पांच इंटू पांच एक्स वाई, पांच को गुणा पांच एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को एक्स गुणा एक्स स्क्वायर वाई आ गया, प्लस पांच एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस पच्चीस, पांच को पांच से गुणा किया पच्चीस एक्स वाई आ गया, ऐसे करना। इसी का चौथा प्रश्न, 4p क्यूब q क्यूब, 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, दूसरा प्रश्न है, ओके एक एक से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू पी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, चार तो ऐसे कैसे, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पी की घात चार क्यू स्क्वायर, माइनस चार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्यू की घात चार,
अच्छा ठीक है ना, इसका ये आंसर है। नोट करो क्वेश्चन नंबर थर्ड। गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है ए स्क्वायर इंटू टू ए स्क्वायर टू ए घात 22 और इंटू 4a घात 46। ठीक है, अब इसमें गुणा कैसे करेंगे, हम संख्या को संख्या से गुणा करेंगे। ओके, संख्या को संख्या से। पहले तो इन दोनों को गुणा कर लो। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू 2a की घात 22 और इंटू 4a की घात 46। ये क्या हो जाएगा, 2a की घात 22 और 2 जो गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है, यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है, तो घातांक नियम पढ़ा होगा आपने, a की घात n इंटू a की घात m, घातें अलग अलग हैं, आधार समान है, तो a की घात m प्लस n यानी जुड़ जाती है और भाग के रूप में तो घट जाती है। ठीक है, फिर इंटू 4a की घात 46। अब 4 को 2 से गुणा किया 8, 1 की घात 46 प्लस 24 कितना हो गया, 8a 6 और 4 10 70 आ गया, 1 की घात 70। दो बटे तीन एक्स वाई इंटू -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए 2 का भाग इधर जा रहा है, इसमें कटता है उसको काट, 2 का भाग कितना, 5 बार और ये आ गया 3, तो यहाँ तो बच गया 1, संख्या तो केवल -3। ठीक है, और बटे में 5, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा किया एक्स क्यूब, वाई को वाई स्क्वायर से किया वाई क्यूब। थर्ड पर्सन इसका -10/3 PQ³ - 10/3 PQ³ इंटू 6/5 पी क्यूब क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे संख्या को संख्या से, -10/3 × 6/5। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं आप, इसमें संख्या को संख्या से पहले गुणा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू पी क्यू क्यूब इंटू 3 का भाग 6 में 2 बार 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करो 4, पी को पी क्यूब से किया तो पी की घात 4, क्यू को क्यूब से किया तो क्यू की घात 4 आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, x into x square x cube x 4 x into x square into x cube into x घात 4, सब में तो आधार x ही है क्या, तो घाते जुड़ जाएंगे आराम से, तो x की घात कितनी हो गई, 3, 6 और 4 10 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री एक्स फोर एक्स माइनस फाइव
प्लस थ्री को सरल कीजिए, पहले तो इसको सरल करो, और फिर एक्स बराबर तीन और एक्स बराबर एक बटा दो के लिए इसका मान ज्ञात करना आपने। पहले तो सरल करो, गुणा करो तीन को चार से, तीन एक्स इंटू चार एक्स, फिर तीन एक्स को माइनस पांच से करो, तीन एक्स इंटू पांच और प्लस का तीन, तीन चौक बारह एक्स स्क्वायर माइनस तीन पंजे पंद्रह एक्स और प्लस का तीन ही आ गया। अब फर्स्ट तो x बराबर एक बटा दो के लिए क्या हो जाएगा इसका मान, x बराबर एक बटा तीन, x बराबर तीन के लिए पहले x का मान तीन रखो इसमें, तो 12 इंटू तीन का स्क्वायर माइनस 15 इंटू तीन और प्लस तीन, 12 इंटू तीन का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 15 थी 45 और प्लस का तीन, बार नाम कितना हो गया 108। माइनस 45 और प्लस के तीन, तीन इधर जोड़ दो 111 माइनस 45, 111 में से 45 घटाओ कितना बच गया 66 बच गया, क्या 66 आंसर आ गया। दूसरा इसका x बराबर एक बटा दो रखने पर, तो 12 इंटू एक बटा दो का स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक बटा दो प्लस का तीन, 12 इंटू एक बटा दो, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, 15 बटे दो और प्लस का तीन, चार से कट गया तीन आ गया, तीन और तीन ये कितना हो गया 6, 6 माइनस 15 बटे दो लोगों तुम आ गया, अपन दो को 6 से गुणा करो, 12 माइनस 15 माइनस 3 बटे दो आंसर है, ऐसे इसको हल करो। हाँ बेटे क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लिया अपने, फोर्थ का बी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी, ए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन प्लस फाइव कीजिए और फिर एक्स बराबर जीरो और ए बराबर जीरो और ए बराबर एक एवं ए बराबर माइनस एक मान ज्ञात, ठीक है। पहले तो सरल करो, तो सरल करो, देखिए ए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन प्लस फाइव, ए को मल्टीप्लाई करो सबसे, ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू ए ए प्लस वन ए इंटू वन, बीच में प्लस का चिन्ह है, ए इंटू वन और प्लस फाइव है, ए स्क्वायर को ऐसे गुणा करेंगे ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस फाइव, ओके ए इज इक्वल टू जीरो रखने पर, एज को जीरो करेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस फाइव, तो क्या आ गया फाइव आंसर आ गया। एज इक्वल टू वन रखने पर वन का स्क्वायर वो क्यूब प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस फाइव, वन का क्यूब वन प्लस वन प्लस वन प्लस फाइव, छ सात आठ, और थर्ड एज इक्वल टू माइनस वन रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, तो माइनस वन ये प्लस हो गया, ये माइनस वन और प्लस का फाइव,
पांच में से क्या दो, चार आंसर आ। ऐसे क्वेश्चन नंबर फाइव। जोड़ना है पी पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर एम आर आर माइनस पी को जोड़ दें। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सरल करो। P P माइनस क्यू जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस Q Q माइनस आर प्लस आर आर माइनस भाई जोड़ेंगे आपस में तो प्लस का चिन्ह लगेगा, नहीं लगेगा बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। अब हल करो इसको, P को P से मल्टीप्लाई करो, P इंटू P और माइनस पी इंटू क्यू प्लस क्यू को गुणा करो, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू पी। पी को पी से गुणा किया, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, तो क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी आंसर। ऐसे इसका आंसर। अब देखिए इसका पांचवें का दूसरा, पांचवे का थर्ड, जोड़ने वाला बता दिया, अब घटाने वाला, फोर एल ब्रैकेट दस एन माइनस थ्री एम प्लस टू, दस एन माइनस थ्री एम प्लस टू, दस एन माइनस थ्री एम प्लस टू एल और मैसे घटाना किसको, थ्री एल एल माइनस एम एल माइनस फोर एम और प्लस फाइव एन घटाओ। तो देखो घटाने के लिए बीच में माइनस का चिन्ह, तो 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस का चिन्ह 3l l माइनस 4m प्लस 5। हल करो पहले तो इसको, 4l को सबसे मल्टीप्लाई करो, 4l इंटू 10n चिन्ह है माइनस का तो माइनस, फिर 4l इंटू 3n m प्लस 4L into 2L minus 3L into L, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे इसमें, minus 3L into 4M plus 3L into 5N। अब दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का ब्रैकेट बंद कर दूंगी, क्योंकि जोड़ने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाने पर तो चिन्ह का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। एल को एम से गुणा के, दस को चालीस, चालीस एल एन माइनस तीन चौक बारह एल एम प्लस के आठ एल स्क्वायर, ओके एल इंटू एल माइनस थ्री एल स्क्वायर माइनस तीन चौक बारह एल एम और प्लस पंद्रह एल एन, ओके। अब देखिए चालीस एल एन माइनस बारह एल एम आठ एल स्क्वायर, बाहर माइनस है
ब्रैकेट के, तो अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे। ये तो हो गया माइनस का 3L² माइनस माइनस प्लस का 12LM और माइनस 15LM। ओके अब देख एल स्क्वायर 8 है, ये 3 है तो 5L² हो गया, फिर LM माइनस के 12 और प्लस के 12 ये कट गए साहब, 40LN है और ये माइनस के 15LN है, तो कितने बच जाएंगे, प्लस के 25LN, ये आंसर आ गया, नोट करो इसको।